फिरोजाबाद में उपराष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ द्वारा जिला अस्पताल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन जिला अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर आलोक कुमार को अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर दिया गया। बताया गया कि इससे पूर्व भी ज्ञापन दिया गया था जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके साथ ही संविदा कर्मियों ने काली पट्टी बांध कर विरोध प्रदर्शन करते हुए अपना कार्य किया। इस दौरान 19 जनवरी को 2 घंटे का कार्य बहिष्कार भी किया जाएगा। 20 जनवरी को अंतिम चेतावनी देते हुए पूरे दिन कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। 21 जनवरी को अनिश्चितकालीन हड़ताल जिला मुख्यालय पर शुरू होगी। ज्ञापन देने वालों में डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल, डॉक्टर राजीव अग्रवाल, रवि कुमार, इंदु चौधरी, यशपाल सिंह चौहान, आशीष धीरू, नीरू, संजय हरिकेश, सिप्रा अग्रवाल, डॉक्टर अमरप्रीत सिंह, दिनेश चंद, शशिदेव भागर्व आदि लोग उपस्थित रहे। फिरोजाबाद से गौरव राठौर की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। सर, हमको इसके लिए समान कार्य समान वेतन एवं विशिष्ट सेवा नीति चाहिए, क्योंकि जो ठेकेदारी पे जो भी लिए जाते हैं उनको जब मन करता है तो उनको हटा दिया जाता है। तो जब हम जितना काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमको हमारी सैलरी चाहिए। और आशा, जो भी आशा की जो सैलरी है उन लोगों के लिए इतना वर्क है तो उसके अकॉर्डिंग उनको कम से कम मिनिमम 10,000 सैलरी उनकी होनी चाहिए। संविदा कर्मियों को स्थायी समायोजन एवं नवीन पद सृजन करना चाहिए। दरअसल संविदा कर्मचारियों ने हमारे यहाँ पर लगभग 40 से 45 के बीच में संविदा कर्मचारी हमारे यहाँ कार्यरत हैं और उन्होंने एक ज्ञापन दिया है। उनकी चार सूत्रीय मांगों के संबंध में वो ज्ञापन है जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है। तो इन्होंने मांगे जो की हैं वो चार मांगे इनकी हैं। पहला तो है कि समान कार्य समान वेतन एवं विशिष्ट सेवा नीति के संबंध में, इसमें जो है दूसरा है इनका आउटसोर्सिंग और ठेका प्रथा पर रोकथाम लगाई जाए। तीसरा है संविदा कर्मियों का स्थायी समायोजन एवं नवीन पद सृजन। और चौथा इनका आशा कर्मियों के बारे में है कि आशा कर्मियों का मानदेय जो है बढ़ा दिया जाए, 10,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया जाए। तो इन्होंने चार जो है सूत्री मांगें की हैं और चार सूत्री मांगों के लिए इन्होंने कहा है कि पहले हम अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे, जैसे कि आज काला फीता बांध के कार्य करेंगे, कल 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करेंगे। इसी प्रकार अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो 21 जनवरी से इन्होंने कहा कि हम जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इस तरह की इन्होंने एक ज्ञापन हमको सर लगभग कितने लोग होंगे संविदा कर्मचारी? लगभग 45 लोग हमारे यहाँ पर कार्यरत हैं।